हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप चंद्रमा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे। लेट्स एक्सप्लोर द मून। नंबर वन, चांद पर वायुमंडल ना होने के कारण आप किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुन पाओगे। नंबर टू, चांद के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम होने के कारण अगर आप चंद्रमा पर जाओगे तो अगर आपका वेट पृथ्वी पर 30 kg है तो चंद्रमा पर 5 kg हो जाएगी। नंबर थ्री, क्या आपके पास कार या बाइक है और आप उसी से चांद पर जाने की सोच रहे हो तो ये जानकारी आपको बहुत ही खुशी देगी। आपकी बाइक या कार की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए और वो भी पूरा सीधा आसमान की तरफ। अगर आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो 235 दिन में चांद पर पहुँच जाओगे। ये कोई मजाक नहीं दोस्तों, ये वैज्ञानिकों की अनुमानित गणना है। नंबर फोर, चंद्रमा के दिन का तापमान 134 डिग्री सेल्सियस है और रात के तापमान -253 डिग्री सेल्सियस होती है। नंबर फाइव, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगा लेता है, वो भी तब जब चंद्रमा 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गति करता है। नंबर सिक्स, चंद्रमा का कुल भार लगभग 81 अरब टन है और तो और यह चंद्रमा अंदर से खोखला है भाई। नंबर सेवन, चंद्रमा का कुल तल क्षेत्रफल 3.793 किलोमीटर वर्ग है जो कि अफ्रीका के बराबर है। नंबर एट, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही समुद्र में ज्वार उत्पन्न होती है। नंबर नाइन, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण और वायुमंडल ना होने के कारण वहां सौर वायु और उल्का पिंड आने का खतरा लगातार बना रहता है। नंबर 10, चंद्रमा यानी मून पृथ्वी से हर साल 3.78 सेमी दूर जा रहा है और अनुमानित है कि ये अगले 50 अरब सालों तक ऐसा ही होता रहेगा। नंबर 11, चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरफ रखता है, इसलिए चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी में रहने वाले कोई मानव नहीं देख पाते हैं। नंबर 12, पृथ्वी से चांद की दूरी 384,400 किलोमीटर है। नंबर 13, चांद के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, वो भी जब प्रकाश 300,000 प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नंबर 14, चांद पर आज तक केवल 12 लोग ही कदम रख चुके हैं और पिछले 42 साल से चांद पर अभी तक कोई भी मानव नहीं गया है। नंबर 15, क्या आपको पता है दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे तो उसके हाथों में राइट ब्रदर द्वारा बनाई गई पहली हवाई जहाज का टुकड़ा था। आज राइट ब्रदर के कारण ही आज संभव हो पाया है कि हम आसमान में उड़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और नई सूचना भी दी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।